पीछे देखो पीछे। हाय डियर फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हमारी ईद का तीसरा दिन है। माशाल्लाह हमारी ईद बहुत ही ज़बरदस्त गुजरी है और बहुत मज़े में गुजरी है। पूरी ईद हमारी सफ़र में गुजरी है, पर बहुत मज़ा आया सब के साथ। और बस अब हम निकलते हैं और मैं आपसे गाड़ी में मिलती हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ और आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना है। ये शूज़ इसके साथ मैच कर रहे थे तो मैंने इसके साथ पहन लिए। और ये बैंगल पहनी है और कानों में मैंने कुछ नहीं पहना हूँ क्योंकि गोल्ड का पहना था तो ये उतार नहीं सकती थी अभी। और क्योंकि लेट हो रहा है ना, बच्चों पर बाहर कम जा रहे ताकि ये लोग अच्छे से झूले ले लें। और ये जो है ना हस्बैंड ने दी है चांदनी की अंगूठी है और कह रहे थे तुम्हारी हाथों में अच्छी लगती है, तो बस ये मैंने पहन ली। और मेहंदी का कलर वैसी फ्रेश है जैसे आज लगाई है, बहुत प्यारी मेहंदी है। और बस मैं रेडी हो गई और कमेंट में ज़रूर बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। अजलान को ना मैं शूज़ पहना रही हूँ, ये इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और बाहर ना थोड़ी ठंड होती है तो इसको ना मैं जूते पहना रही हूँ और साथ में इसका ब्लैंकेट भी मैंने लिया है। और हम सब फुल रेडी हो गए हैं। रात को हम उधर से आए थे मलाकंड से और बहुत थके हुए थे सारा दिन, तो रेस्ट किए और अभी रेडी होकर ना जा रहे हैं पार्क। देखते हैं अगर पार्क वगैरह खुले हो तो बच्चों को झूले दे देते हैं। इंग्लैंड और सब रेडी हो गए हैं, निकलने वाले हैं। अचानक से देखो मुझे हाथ तो दो ना। हाँ की भी लाइटें ऑफ कर देती हूँ। पूरे घर में अंधेरा हो गया। आओ अभी आना। और अभी मैं घर ना लॉक करती हूँ। मेरी बैंगल के साथ खेल रहा और रो रहा है कि मुझे दे दो। क्यों नहीं मुझे दे रही कि मतलब मैं इसे मुंह में डाल दूं। अब ये बच्चा भी ना बहुत शरारती है, बहुत शरारती है। पूरा इस्लामाबाद बिल्कुल खाली पड़ा है। ईद में ना कोई भी नहीं होता इस्लामाबाद में, सारे लोग गांव चले जाते हैं। और हमारे ये सेकंड ईद है कि हम गांव नहीं गए और हमारा दिल भी नहीं चाह रहा था। बस कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी इस बार तो हम नहीं गए। मेरा हमारा प्लान था पर फिर हमारा प्लान कैंसिल हो गया और हम मालाकंड चले गए। और पूरा इस्लामाबाद अभी बिल्कुल खाली है। और हम मतलब ईद वाले थर्ड दिन ना हमेशा और लेट नाइट निकलते हैं क्योंकि फिर जो गांव से लोग आए होते हैं ना वो बाइक पे बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर एक्सीडेंट का खतरा होता है। तो हम लोग ना बस लेट 10-11 तक निकल आते हैं बाहर और घूम फिर के ना घर वापस चले जाते हैं। और आज भी हमने वैसे ही किए और अभी तो शुक्र है कोई ट्रैफिक कुछ भी नहीं है और सारा रोड बिल्कुल खाली है। काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, मौसम भी बहुत खूबसूरत है। बारिश हुई थी ईद के फर्स्ट डे तो माशाल्लाह मौसम बहुत ज़बरदस्त है। ईद हमारी बहुत अच्छी गुजरी है। ये देखे ना ये वैसे ये मेट्रो ना फुल होता है, यहाँ पे इतनी रश होती है और गाड़ियाँ भी इतनी खास कुछ नहीं है। जो बहुत कम लोग हैं ना जो यहाँ के रिहायशी हैं बस वो ही हैं, जो गाँव वाले हैं ना वो सारे चले गए। और ये सारे गाँव से लोग इधर आए हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं ना। और ये रश चेक करें, सारा रश तो यहीं पर है।
अब देखना है परवाना कही यहाँ पर जबरदस्त है लगा ले बस सही है ठीक है ना हम ये खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। ये कबाब हमने लिए बहुत मजे के इतने जबरदस्त और हम गाड़ी में इस वजह से खा रहे हैं कि बाहर बहुत ज्यादा रश है रेस्टोरेंट सब फुल है तो बस हमें गाड़ी में ना अजलान है हमारे पास तो हमने सोचा हम यहीं पे आराम से खा लेंगे। हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया और अब चलते हैं घर। अजलान घर शायद नहीं थोड़ा घूम फिर के क्योंकि बच्चे कह रहे हैं हम लोगों ने गोलगप्पे खा लिए तो वो लोग तो खा रहे हैं बेचारे बहुत स्पाइसी थे कबाब और हम लोगों ने खा लिया और हम अभी तक चलते मेरे रहते हैं। तो बहुत मज़े के थे और बहुत मज़ा आया और अब चलते हैं इस्लामाबाद में ये पिंडी में आए हैं ना तो अब हम इस्लामाबाद जाते हैं इस्लामाबाद में थोड़ा घूमते हैं। ये ना हम पिंडी से जा रहे हैं रास्ते में वापसी में पिंडी में तो बहुत ज़्यादा रश था और अभी सारे लोग जो है ना घरों को चले गए हैं तकरीबन ये 12:30 बजे का टाइम होगा बस 1 बजने वाले हैं और पिंडी में फिर भी रश है बहुत ज़्यादा पर इस्लामाबाद बिल्कुल खाली है। ये दामानिकों के लिए रास्ता है और ऊपर मनाल का रास्ता उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है पर अच्छा बहुत लगता है इतनी ऊंचाई पर है ना बहुत ज़्यादा पानी खो आ गए हैं और मैं नीचे उतर रही हूँ और शीशे को बंद कर दी तो मैं नीचे उतर रही हूँ और काफ़ी रश है अच्छा लग रहा है। असलान सो रहा है बेचारा ये देखना बेचारी बची ऐसे लेती हुई है अगर कुछ मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है इसको देख कर। और यहाँ पर ना कुछ पठान भाई आए और नाच चेक करें ना ये डांस करें ये जगह देखें ना हम यहाँ से उतर रहे हैं मुझे इतना डर लग रहा है ये भी जंगल है और ये भी जंगल है ये दामानी को है ये लोग मुझसे काफ़ी आगे चले गए हैं और डॉगी वहाँ पर मुझे बहुत डर लगता है डॉगी से अभियान और अफनान और आज मौसम भी काफ़ी खूबसूरत है। असलान खुश है मैं तो डर रही थी कि ठंड होगी पर शुक्र है मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि ये फुल टॉप पर है ना और अफनान की मस्तियाँ नहीं ख़त्म होंगी और ये देखें ना कितना प्यारा लग रहा है सारा ये लाइटें सारी लगी हुई हैं इतना अच्छा लग रहा है ना। पर अभी हम जा रहे हैं हाँ जी ये कितनी खूबसूरत लाइटें लगी है ना ये सारे इतना घना सा ये सारे दरख्त हैं ये पीछे और पर अच्छा लग रहा है दिन के टाइम बहुत अच्छा लगता है पर अभी ईद है ना तो काफ़ी रश है दिन के टाइम इस वजह से हम नहीं आते। काफ़ी पसंद आई हूँ क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा टाइलें जो है ना स्लिप स्लिप से वाओ जगह देखे ना दो इस्लाम आ जाओ
لا لا نشرب على كم والله ये जगह आ गई है कितनी खूबसूरत है और पीछे दिखाओ ना सबको पीछे देखो पीछे पूरा इस्लामाबाद है अफनान यहाँ से पूरा इस्लामाबाद नजर आ रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और यहाँ पर एक डॉगी भी था, मैं इस वजह से नीचे नहीं गए। और यहाँ पर ना सारे मर्द हैं, बहुत ज़्यादा ईद के दिन ना सारे मर्द आते हैं। अब हम जाने लगे हैं और मज़ा आया कि बहुत मज़ा आया था। बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया और अभी फैमिली भी आई थी उधर, तो बहुत मज़ा आया था। थोड़ा एंजॉय करके हम वापस जा रहे हैं क्योंकि बहुत रात हो गई है, 2 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा देर हो गई है। ये हमारी गाड़ी आ गई है जो है ना, मैं नुमान से लेती हूँ और मैं बैठती हूँ कार में। जा रहे हैं वापस। और ये दामा निको था, लाइट नहीं थी ना, इतना मज़ा नहीं आ रहा था।